अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है और इस बार भी देखना है कि सवाल को सिस्टमेटिक अप्रोच लेके जाना है कि पहले प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, देन अपने मेथड को देखना है। तो जो हम सवाल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, ठीक है। अभी हम प्रॉपर की तरफ नहीं गए हैं, अभी जब हम सिर्फ इम्प्रॉपर की तरफ कर रहे हैं। अब इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि ऊपर पावर देखें, नोमिनेटर के अंदर क्या है, एक्स की पावर, एक्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर क्या है, 0, ठीक है। और नीचे कितनी है, हाईएस्ट पावर 2x के ऊपर, तो ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे के वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। चलो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो भी सवाल है आपने उसको एज इट इज कॉपी कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, मैंने कहा था पिछली वैल्यूज के अंदर, वीडियो के अंदर, कि जो भी फैक्टर होंगे आपने एज इट इज कॉपी करने। अब यहाँ तो कोई फैक्टर मौजूद नहीं है, अब हमें यहाँ पे फैक्टर बनाना है। अब जब फैक्टर कैसे बनाएंगे, आपको अगर याद हो ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के, इसी के बराबर होता है। अब आइडेंटिफाई क्या करना है कि ए कौन सा, बी कौन सा, जिसकी फैक्टराइजेशन अच्छी नहीं है उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखें आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको कंपेयर करवा लें कि जो स्क्वायर है स्क्वायर तो है। अब जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है मीन्स के, जो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया है ए की वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो गया तो आपके पास ये क्या आ गया है, जो एक जहाँ ए लिखा है वहां पे आपके पास ए की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स के। अब माइनस है, माइनस भी है, ठीक है। अब बी स्क्वायर है, अब सोचेंगे 3, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो अगर इसको यहाँ यू लिख दे, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर हो गया, अब जहाँ बी लिखा है वहां पर उसकी जगह 3 लिखा है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है, 3। इस तरह आप लोग कंपेयर करके कर ले। अब आपके पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर आप अपनी वैल्यूज को रखेंगे तो आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी इसकी। अब चलते करते हैं इसको, पहले फैक्टराइज करते हैं। तो 12 ऐसे रखेंगे एंड ए की जगह ए प्लस बी है, तो एक्स प्लस 3 और ये एक्स माइनस 3, बिल्कुल इसी तरह होगा। अब आपके पास आ गए फैक्टर्स, अब फैक्टर्स आ गए तब आपको क्या करना है, कितने फैक्टर्स हैं पहले काउंट करें, 1 2, तो मींस कि आपने ए और बी लिखना है बस, क्योंकि जितने फैक्टर होंगे आपके पास अल्फाबेट उतने ही चलेंगे। एक्स प्लस 3 पहले वाले के नीचे पहला वाला फैक्टर, फिर बी के नीचे दूसरा वाला फैक्टर, ठीक है। ये किया और बाकी बराबर में सवाल एज इट इज कॉपी, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। फिर बताया था कि मल्टीप्लीकेशन करवानी किसकी, जिसके फैक्टर मौजूद हो, सवाल के नहीं, जिसके फैक्टर्स मौजूद हो। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड, इसको मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे करने हैं ताकि जब मैं मल्टीप्लीकेशन का बताऊं तो आप लोग डायरेक्ट इसकी जगह वैल्यूज लिख लें, तो वो भी तरीका बताता हूँ आप लोगों को। अब देखिए करेंगे क्या, इस वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। और जो वैल्यूज है जो मल्टीप्लीकेशन करवाया उसको मैं ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूँ, ए अपॉन एक्स प्लस 3, बीच में प्लस, मैं बी ऐसे लिख लेता हूँ पहले, एक्स माइनस 3। अब मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू बराबर में लिख लेता हूँ, तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ये आया, फिर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। जो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आगे पीछे लिख लें तो उससे कुछ नहीं होता, ये पहले बी लिख लें या पहले वैल्यू लिख लें उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे 12 है अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, यही बनेगा कुछ। अब जो चीज़ कैंसिल आउट होगी उसे कैंसिल कर देंगे, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल, इन दो वैल्यू से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, एक्स माइनस 3 ए प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 12, इसे हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। इस तरह आपने ये सिस्टमेटिक अप्रोच करनी है, ठीक है। अब मैंने जो आपको एक स्टेप बताना था वो बताने चाह रहा हूँ, देखिए इस तरह आप लोग कंटिन्यू किया करें, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड के ऊपर, जो जिसके नीचे जो वैल्यू लिखी हुई होगी उसकी वैल्यू को हटा दें, ठीक है। इस तरह फिंगर रख लें ताकि पता चले क्या बचा, एक्स माइनस 3, जो सेम वैल्यू होंगी उसको हटा लें, क्या बचा, एक्स माइनस 3 है, तो आपने एक्स माइनस 3 डायरेक्ट लिख दिया, एक्स माइनस 3 है, एक्स माइनस 3 हटा लें बराबर से, क्या बचा, एक्स प्लस 3।
तो आपने वो वैल्यू यहाँ लिख ली, और ये वाला बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 12 आ जाएगा नॉमिनेटर के अंदर। अब आपने क्या करनी है, वैल्यूज को पुटअप करना है। पुटअप करने का तरीका बताया था, कहाँ से वैल्यू देखेंगे, जहाँ फैक्टर बने में ए अलग बना होगा बी अलग बना होगा, तो बीच में काम करें एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। और जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाता है सिर्फ साइन चेंज होता है, वैल्यू सेम रहती है। प्लस था वहां जाके क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस है वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, सिर्फ साइन चेंज होगा। एक मरतबा एक्स माइनस थ्री पुट करेंगे, एक मरतबा एक्स प्लस थ्री, तो बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसी तरह ताकि हाथ में ही काम खत्म हो जाए। अब देखें जहां जहां पे एक्स माइनस थ्री है वहां वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट इन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन है दोनों के लिए, तो इसको इक्वेशन ए के अंदर पुटअप करो। अब जहां पे जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे पहले माइनस थ्री पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस थ्री ए, ठीक है, फिर थ्री प्लस थ्री प्लस बी इज इक्वल टू थ्री माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस थ्री था तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू, जगह नहीं थी मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ट्वेल्व, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस सिक्स ए हो गया प्लस माइनस थ्री प्लस थ्री, तीन में से तीन का जीरो हो गया, ठीक है, तो बी की वैल्यू भी जीरो, तो किसके बराबर हो गया ये, ट्वेल्व के। ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिक्स वन द सिक्स, सिक्स टू द ट्वेल्व, तो माइनस टू के बराबर आ गई है, ठीक है। अब यही वाली जो एक्स माइनस थ्री के लिए काम कर लिया, अब किसके लिए काम करेंगे, एक्स प्लस थ्री के लिए। एक्स प्लस थ्री के लिए देखते हैं, तो अब जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे क्या पुट कर देंगे, थ्री, तो ये थ्री माइनस थ्री, थ्री माइनस थ्री ए प्लस बी की वैल्यू है, तो थ्री प्लस थ्री, एक्स की जगह थ्री रखेंगे प्लस थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व, यही बनेगा। अब थ्री माइनस थ्री मतलब कि तीन में से तीन गए जीरो, प्लस थ्री सिक्स हो गया, प्लस का आएगा और इज इक्वल टू ट्वेल्व, जीरो को शो नहीं करते, तो बी इज इक्वल टू ट्वेल्व आ गया, सिक्स वन दस सिक्स, सिक्स टू द ट्वेल्व, सिक्स वन दस सिक्स टू द ट्वेल्व, तो बी की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है। अब आपको देखें इसका पुट कहाँ करना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, इसको आप ऐसा करें नाम ही दे दें वन का, पुट इन इक्वेशन वन। अब जहां पे ए है वहां पे आप किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की, और फिर वहां पे बी की वैल्यू। अब देखें ए ये रहा, ए की वैल्यू क्या आई है, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, टू एक्स माइनस थ्री, तो बस आपका ये आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरह काम किया है और किस तरह काम होगा। तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके जरिए हम तमाम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे लेवल्स के अंदर जाके काफ़ी मदद देती है, जिस तरह यूनिवर्सिटी लेवल होता है जब आगे कोई चीज न्यू सीखते हैं तो यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना होता है, तो अच्छे से सीखना है और ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।